हाँ किसान भाइयों, पेड़ देखिए, ये कहे का पेड़ है? बरगद भाइयों, देखिए नहर के किनारे बरगद का पेड़ है और कितनी ठंडी छाया है इसकी। इसको देखते ही मन किया रुकने के लिए। अच्छा, ये पेड़ तीन दिखे हैं एक जगह, एक ही है? एक ही है, एक ही पेड़ है। वाह, तो शोले पिक्चर की ये पेड़ मतलब है कैसा कैसा है बताओ भाइयों। देखिए बरगद का पेड़ कितना जबरदस्त है। और ये असली इसमें कौन सा पेड़ ही होता जमा था पहले, कौन सा जमा का? तो ये बस, हाँ यही है, ये जड़ों पे आया हुआ। आप इधर आ जाओ कैमरे के सामने, इधर आ जाओ साइड में। मुझे तो शर्म लगा मेरा नहीं, ब्याह ना हो रहा, ब्याह करवा दूंगा मैं, डाल दूंगा। आप आ जाओ, इतना शर्मा रहा आप। पावर से सही बजे हम डिटोली का यहाँ कैसे, यहाँ रिश्तेदारी भी, यहाँ स्कूल में नौकरी करूँ। अच्छा, ये दबतवे के थे मेरे साथ पार्टी, जमीन दिखाना है। तो ये कितने पुराना होगा पेड़ तुम्हारे हिसाब से? 400 साल। 400 साल पुराना। देखिए कितनी ठंडी हवा इसके नीचे, ऑटोमेटिक बहुत बढ़िया हवा जी, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पे। ये तो ये इसमें अंग्रेज राग रहे थे अंदर बहुत, अभी अभी चल रहा अंग्रेज भाई। देखिए इसके तीन वे हैं और आपस में जुड़े हुए, तीन लगता है, तीन पेड़ एक जगह जुड़े हुए। अच्छा, जड़ी फूटी हो? ये देखिए भाइयों, ये पेड़ यहाँ से चला है डहना इसका, और ये एक ही टहना, ये आता 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 एक तो इधर चला गया और एक यहाँ का जमीन पर आ गया, और ये आने के बाद में जड़ ने धरती पकड़ ली और इसका पेड़ बन गया। ये देखिए भाइयों किस तरह का पेड़ है, एक ही चीज़ है। बाय वाह, दोस्तों बहुत अच्छी ठंडी हवा आ रही है इसके नीचे। भाइयों ये कैमरे में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा पेड़ है। देखिए आप कितनी दाढ़ी सी लटक रही इसके, और ये देखिए इसका टहना आके ये एक पेड़ ये बन गया। और ये अंग्रेजी ज़माने का नहरवाई का वो है बंगला, काफ़ी पुराना, तो खैर खंडर हो गया। तो इसको देखकर मैं रुका, मैंने सोचा आपको एक वीडियो दिखा दी जाए। अभी मैं इसकी सही लोकेशन बताता हूँ, अगर आप लोग इधर घूमना है कभी। देखो जितने ये युवा हैं सब वीडियो बना रहे हैं। तो इसकी लोकेशन क्या है, अगर कोई आना चाहे यहाँ, क्या आप बताओगे? भुम्मा नहर के पुल के पास। अच्छा, क्लोज कर दो और सीधा रास्ता बिल्कुल नहर पे आ रहा है। नहर पे है तो यहाँ तो फोटो खींचने के लिए बहुत आते हैं इसे देखने के लिए। हमने खींचे, देखो भाई बहुत गजब है। किसी फिल्म वाले को शूटिंग करनी हो तो वो यहाँ आ सकते हैं। पास में अंग्रेजी राज की, अंग्रेजी समय की बनी हुई कोठी है, देख लिया, दिखा दी मैंने। तो आपका गाँव तो जिटोली है, और आपका खेड़ी सर है? खेड़ी। और इन भैया दंतल? दांतल जिटोली, और मैं पपरसा, सारे एक इलाके के यहाँ के बताओ, संयोग की बात है। यहाँ पे अच्छा कितनी ले रखी? 40 बीघे, 50 बीघे। सही है, जब मुआवजा मिल गया तो कहीं तो लेनी थी। जिटोली वाले जगपाल सिंह का 250 का फार्म है। अच्छा अच्छा, हाँ वो एक बार मैं आया था, एक बार मैंने वीडियो बनाई थी उनके फार्म पर आके, उसका रास्ता गाँव की तरफ से आवे है, शायद तुरेडी से आवे। बहुत बढ़िया, तो यहाँ वैसे आगे पिकनिक बनाने की दफा नहीं, आए थे बस, स्कूल आए थे, बाइक आगे। चलो बहुत बढ़िया लगा।